6 जून 2024 शनिदेव जयंती के दिन बनेंगे पूरे 500 सालों के बाद 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों पर भगवान शनिदेव की होगी विशेष कृपा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इस बार 6 जून के दिन जैसे ही भगवान शनिदेव का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, उसी दिन 5 ग्रहों का महामिलन होगा। यानी कि 5 ग्रह एक साथ युति बनाएंगे जिससे कई बड़े राजयोग बनेंगे। और आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई ग्रह आपस में मिलते हैं ना, तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर जरूर होता है। ऐसे में 6 जून यानी कि शनि जयंती के दिन भी 5 राशि वाले लोगों का करोड़पति बनने का सपना पूरा होने वाला है। 5 राशियों की किस्मत अचानक से पलटने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियाँ, और साथ ही भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनि जयंती पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, पूरे 500 सालों के बाद इस बार 6 जून यानी कि भगवान शनिदेव की जयंती के दिन 5 बड़े ग्रहों का महामिलन होगा, जिसमें सबसे मुख्य रूप से सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये 5 ग्रह एक साथ एक ही भाव में युति बनाएंगे, जिससे पंच ग्रही महायोग होगा। और ऐसा योग 300-500 सालों में एक बार ही देखने को मिलता। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शनि जयंती के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए 6 जून यानी कि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या, जिस दिन भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था ना, इसी दिन जो ये 5 ग्रहों का मिलन होगा, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी होने वाला है। एक तो भगवान शनिदेव आपकी राशि के दूसरे भाव में है, और साथ ही आप ही की राशि में अभी शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। 7.5 का अभी ये अंतिम चरण है। ऐसे में शनि जयंती के बाद आप लोगों को भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। 6 जून से लेकर मार्च 2025 तक यह जो समय है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। आर्थिक रूप से धन का तो लाभ होगा ही, साथ ही धन संबंधी जो आपकी स्थिति है वो भी मजबूत बनेगी। जो काम कारोबारी है, जो अपने स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या खुद का व्यापार हो, व्यापार में भी आपको आर्थिक रूप से धन का लाभ मिलेगा। और साथ ही भगवान शनिदेव के दूसरे घर में आने के कारण आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान रहेगा, आप अपनी बुद्धि और वाणी के प्रभाव से दूसरे लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। कुल मिलाकर मकर राशि में भगवान शनिदेव के 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में शनिदेव जयंती के बाद से ही यानी कि 6 जून के बाद आप लोगों की किस्मत अचानक से पलटने वाली है। भगवान शनिदेव का आपके ऊपर पूरी तरीके से आशीर्वाद रहेगा। कई सालों से जो आपके रुके हुए कार्य थे वो अचानक से बनने लगेंगे। सुख शांति का माहौल रहेगा। शनिदेव के शुभ प्रभाव में होने से करियर में भी प्रमोशन होने की संभावना है। आपकी तनख्वाह जो है वो बढ़ सकती है। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शनि जयंती के दिन आप अगर संभव हो तो गाय का दान करें। अगर आप गाय का दान करने में संभव नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो शनि से जुड़ी हुई वस्तुएं जैसे कि काले वस्त्र, काली दाल, काले तिल या सरसों का तेल किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कीजिए। भगवान शनिदेव विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे। उसके अलावा जहाँ पर मजदूर काम करते हैं ना, वहाँ पर जल का दान करना भी आप लोगों का सोया हुआ भाग्य अचानक से चमका सकता है। चलिए जान लेते हैं शनि जयंती के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं।
क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष या कोई मारक योग तो नहीं जिसकी वजह से आपके जीवन में कई सारी समस्याएं बनी हुई है। आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, आपके प्रधान देवी देवता कौन है, उनको किस तरह से आप प्रसन्न कर सकते हैं, आपकी कुंडली में सबसे कमजोर ग्रह कौन सा है जिसकी वजह से मुश्किलों का सामना उठा रहे हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करके आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर विवाह के बाद का समय कैसा रहेगा। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं भगवान शनि जयंती के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू ते और तो से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, शनिदेव की जयंती के बाद से ही तुला राशि वाले लोगों के लिए भी समय काफी अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। एक तो भगवान शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के पांचवें घर में विराजमान है, जिसे संतान उन्नति लव मैरिज का भाव माना गया है। ऐसे में भगवान शनि की जयंती के बाद जैसे ही पांच महाग्रही महायोग बनेगा ना, उसके बाद संतान की तरफ से आपको कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इसी साल 2024 में आपके लव मैरिज का योग बनता है। अगर आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार है, लॉयर है ना, तो उचित समय देकर उनको विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। और ग्रहों का महायोग इस तरह का संकेत दे रहा है कि आपका विवाह का प्रस्ताव मंजूर भी हो जाए। जो व्यक्ति कारोबारी है, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। आपकी राशि के स्वामी भगवान शुक्रदेव है, ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और शुक्रदेव दोनों में ही मित्रता का भाव रहता है, इसलिए भी शनिदेव की जयंती के बाद समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। तुला राशि वाले लोगों को सबसे अच्छा और सबसे मजबूत उपाय मैं आपको बताता हूँ कि शनि जयंती के दिन आपको क्या करना है, लोहे का एक त्रिशूल लेना है, उसे महाकाल भगवान शिव शंकर के मंदिर में या भैरव मंदिर में या महाकाली के मंदिर में अर्पित करें। अब आप यह मत सोचना कि लोहे का त्रिशूल महंगा आता है या सस्ता आता है, आप अपनी इच्छा अनुसार बिल्कुल छोटा भी ले सकते हैं, चाहे 10 रुपए का हो या 10,000 रुपए का हो। सच्ची श्रद्धा के साथ जो कोई भी उपाय किया जाता है ना, उसका फल हमेशा एक समान ही रहता है। इस उपाय से आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो अगर आपके विवाह में कोई भी विलंब हो रहा है या वैवाहिक जीवन मतभेद चल रहे हैं, कोई भी अस्त व्यस्त आपका मैरिड लाइफ चल रही है ना, तो वो एकदम से ठीक होगा। दूसरा, विवाह का उत्तम योग बनेगा। उसके अलावा आपको एक और उपाय भी है जो आप कर सकते हैं कि शनि जयंती के दिन ही 250 ग्राम काली राई लेनी है। काली राई जो होती है वो सरसों से थोड़ी छोटी आती है, उसे काले कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ की जड़ में रख कर आ जाए। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, भगवान शनिदेव विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है वो पहुंच पाए। चलिए जान लेते हैं शनि जयंती के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, कुंभ राशि के स्वामी ही भगवान शनिदेव है, जो कि अभी वर्तमान में आप ही की राशि के लग्न भाव में विराजमान है।
है और आप ही की राशि में शनिदेव की साढ़े साथी भी चल रही है। ऐसे में स्पेशली कुंभ राशि वाले लोगों के लिए तो शनि जयंती के बाद का समय किसी भी वरदान से कम नहीं होने वाला है। भगवान शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है, ऐसे में आप लोगों के आत्मविश्वास में गजब की बढ़ोतरी होगी। आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके पास धन है ना, तो वो कई गुना बढ़ोतरी करेगा। परिवार के लोग हर मोड़ पर आपका साथ देंगे। शनिदेव के लग्न भाव में होने के कारण सस महापुरुष राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि वाले लोग अगर बेरोजगार है और लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी यह तलाश पूर्ण होने वाली है। इसी महीने जून के अंदर ही मनचाही जगह पर आपको नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी से जुड़ी भी कोई भी बड़ी अच्छी या शानदार आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपका मन प्रसन्न होगा। जो भी शादीशुदा है कुंभ राशि वाले मैरिड है ना, उनका वैवाहिक जीवन भी सुखद और आनंद की अनुभूति वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ जो पहले कोई भी मतभेद चल रहे हैं वो दूर होंगे और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपके लिए सफलता दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ बढ़ेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि अभी आपकी राशि में शनिदेव की साढ़े साथी चल रही है, ऐसे में आपको क्या करना है, शनि जयंती के दिन जो आंख का पौधा होता है ना, उस पर 7 लोहे की कीले चढ़ाएं। उसके अलावा काले घोड़े की नाल या जो पानी में चलने वाली नाव होती है ना, उसकी कील से बनी हुई लोहे की अंगूठी आप अपने हाथ की मध्यम अंगुली में पहने शनि जयंती के दिन सूर्यास्त के समय। अगर आप ये उपाय करेंगे तो साढ़े साथी भी आपके लिए बहुत ही अच्छी और आनंददायक रहेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि साढ़े साथी चल रही है और साढ़े साथी का समय इतना अच्छा और सुखद निकल रहा है। लोहे की अंगूठी जो है ना, वो सबसे बड़ी अंगुली यानी कि मध्यम अंगुली में धारण करनी है और उसके अलावा काले उड़द पीस कर उसके आटे की गोलियां बनाएं और आसपास अगर कोई भी नदी या तालाब होना तो वहां पर आप मछलियों को जरूर खिलाएं। यह उपाय शनि जयंती के दिन अवश्य करें। शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी किस्मत में 4 चांद लगने लगेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय, नमः।